أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अभी हम एंट्रोपी और सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हॉलिडे क्लीन रेजिमेंट किताब वाले डिस्कस करेंगे। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम इज ऑलवेज क्लोज टू द इक्विलिब्रियम स्टेट्स ओनली एट द बिगिनिंग एट एंड माइट नेवर बी क्लोज टू एनी इक्विलिब्रियम स्टेट is close to equilibrium state throughout except at the beginning and end is none of the above is always close to equilibrium state ye wala option iska theek unhone discuss kiya hua hai is surat mein hame pata hai ki jo reversible process hai usme jo changes hain wo is tarah lai jati hain कि जिसमें सिस्टम जो है वो हमेशा या तो इक्विलिब्रियम में हो या हमेशा क्लोज टू इक्विलिब्रियम हो, ये उसकी कंडीशन होती है। सेकंड है अ स्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल इफ द टेम्परेचर चेंजेस, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं होता इसके साथ। एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड एज हीट, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं होता। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो फिर कभी भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन में मौजूद एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। द डिफरेंस इन एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ द टू स्टेट्स ए एंड बी ऑफ अ सिस्टम कैन बी कंप्यूटेड एज द इंटीग्रल प्रोवाइडेड ए एंड बी आर ऑन द सेम एडियाबेट, ए एंड बी आर ऑन द सेम टेम्परेचर, ये ज़रूरी नहीं है। अ रिवर्सिबल पाथ इज़ यूज फॉर द इंटीग्रल, रिवर्सिबल पाथ इज़ यूज फॉर द इंटीग्रल। पॉसिबल यूनिट ऑफ एंट्रोपी आर जूल पर केल्विन, क्योंकि इसको डिफाइन किया जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर या डेल्टा क्यू ओवर टी, तो जूल पर केल्विन ऐसे यूनिट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, वर्क है इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल, एंट्रोपी भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, तो फिर यहाँ पे वर्क जो है इट इज़ नॉट स्टेट वेरिएबल। द चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ये नहीं होता। रिवर्सिबल फिनोमिना ड्यूरिंग विच नो वर्क इज डन, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस आल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस होल्ड टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ज़ीरो, which of the following process leads to a change in entropy of zero for the system undergoing the process? non cyclic isochoric, isobaric mean constant pressure, isochoric mean constant volume, or isothermal mean constant temperature, ye tino terms वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, याद रख लें, ठीक है। any closed cycle, none of these. An ideal gas expand into a vacuum in a rigid vessel, I expands into, as a result there is a change in entropy. Ideal gas hai, vacuum mein expand karti, theek hai, a change in entropy, an increase of pressure, a change in temperature, a decrease in internal energy, a change in phase, a change in entropy. Consider all possible isothermal interactions of an ideal gas. Consider all possible isothermal interactions of an ideal gas. The entropy of the gas does not change for any of them, does not decrease for any of them, does not increase for any of them, increase for all of them, decrease for all of them.
आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। आप जब आप आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हीट हमेशा बाहर निकलेगी, इसलिए डिक्रीज ऑल ऑफ देम, ठीक है। An ideal gas consisting of n moles undergoes a reversible isothermal process during which the volume change from Vi to Vf. Reversible isothermal change in entropy of the thermal reservoir in contact with the gas is given by nR Vf minus Vi, nR log of Vf minus Y, nR log of Vi over Vf. One mole of a gas expands slowly and isothermally at temperature T until its volume is doubled. One mole of an ideal gas expands slowly and isothermally, temperature यानी उसका constant है, temperature T until its volume is double. The change in entropy of the gas for this process is R log of 2. An ideal gas consisting of, ये खुद देख रहे हैं, लेट अस आई डिनोट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सैंपल फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस from state A to state B. Let SR denote change in entropy of the same sample for a reversible process from state A to B. Then यानी irreversible process में A state से B state और reversible process में A state से B state में जो entropy change है वो सेम इसलिए है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट अगर ए और स्टेट बी सेम है तो एंट्रोपी में चेंज भी सेम आएगा, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। फॉर ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट इंक्रीज, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डज नॉट decrease. For all adiabatic processes the entropy of the system does not change, ki sense ye hai ki no heat enter or leaves the system, fir entropy mein change nahi aayega. For all reversible processes involving the system and its surrounding, for all reversible processes involving a system and its environment the entropy of the system does not change, the entropy of the system increase, the total entropy of the system and its environment does not change. ये वैसे भी लॉ है कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट और जो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज. फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, for all irreversible processes involving a system and its environment the entropy of the system does not change, the entropy of the system does not change, the entropy of the system increases, the total entropy of the system and its environment increases. ये फ़र्क है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए वो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट विल इंक्रीज. According to second law of thermodynamics, heat energy cannot be completely converted to work. Work
कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेसेस वी हैव लेस देन डी। हाँ ये पहली स्टेटमेंट ठीक है कि आप कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हीट एनर्जी को वर्क में, ये सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। In a thermally insulated kitchen, an ordinary refrigerator is turned on and its door is left open. The temperature of the room remains constant according to first law of thermodynamics, increase according to the first law of thermodynamics. Decrease according to the first law of thermodynamics, increase according to first law of thermodynamics. इसलिए कि वो जो हीट है हाई टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट होती है, लो टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट होती है और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रिलीज होती है। A heat engine converts heat input to an equivalent amount of work. Converts to an equivalent amount of heat, takes heat in, does work and rejects the heat. ये सिंपल प्रोसेस है, सारे का सारा प्रोसेस एक काम नहीं हो सकता। A heat engine absorb energy of magnitude and high temperature reservoir, वो इसमें इतना वर्क करता है और ये उसको कर देता है लो टेम्परेचर के ऊपर, तो वर्क ओवर यानी व्हाट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इनपुट जो है वो हीट है, टोटल हीट, ठीक है, और आउटपुट जो है वो वर्क है। ये तो वापस हीट रिजर्वायर को चली गई ना, इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। अ हीट इंजन ड्रास 500 कैलरीज पर सेकेंड फ्रॉम अ वाटर बाथ एट 27 डिग्री सी एंड रिजेक्ट्स 400 कैलरीज पर सेकेंड टू द रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज, फार्मूला लगा के आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें ये वाली कैलकुलेशन जो है वो वर्क करेगी। अ हीट इंजन that in each cycle does positive work and rejects energy as heat. A heat engine that in each cycle does positive work and reject energy as heat with no heat energy input would violate zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, Newton's second law. A heat engine that in each cycle does positive work and reject heat as with no heat energy input, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायोलेट कर जाएगा। A cyclic process that transfer energy as heat from high temperature reservoir to a low temperature reservoir with no other change would violate. A cyclic process that transfer energy as heat from a high temperature reservoir to a low temperature reservoir with no other changes would violate. Zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, none of the above. इसमें ई ऑप्शन उसने सही लगाया है कि साइक्लिक प्रोसेस है दैट ट्रांसफ़र एनर्जी एज हीट फ्राम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर विद नो अदर चेंज वुड वायोलेट नन ऑफ द अबव। On a warm day, a pool of water rejects energy to the air as heat and freezes. This is a direct violation of zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics.
heat engine in each cycle absorb energy from a reservoir as heat. A heat engine in each cycle absorb energy from a reservoir as heat and does an equivalent amount of work with no other changes. The engine this engine violates the सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर दे उसमें. अ कार्नट साइकिल इज बाउंडेड बाई टू आइसोथर्म्स एंड टू एडियाबेट्स ऑन अ पीवी डायग्राम. ये ही ऐसे ही है, बाकी आप देख लें बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑल हीट इंजन्स हैव द सेम एफिशिएंसी. ऑल हीट इंजन हैव द सेम एफिशिएंसी. ऑल तो नहीं है उसमें, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, इनिशियल और फाइनल हीट रिजर्वायर हीट सिंक. ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन हैव द सेम एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वर्किंग सब्सटेंस. द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर बिटवीन टू रिजर्वायर्स. All Carnot engine theoretically have 100% efficiency. No, a Carnot heat engine operates between 227 degrees C and 127 degrees C. Its efficiency is A है 25%. अब दोनों temperature जो इनको absolute temperature में convert करके formula लगाएं. Efficiency is equal to 1 minus T2 over T1. सिंक टेम्परेचर और सोर्स टेम्परेचर. अ कार्नट हीट इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन हॉट रिजर्वायर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन एंड अ कोल्ड रिजर्वायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर एफिशिएंसी इज वन माइनस टी टू ओवर टी वन. अभी फार्मूला लिखा था. द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नट हीट इंजन operating between reservoir at the steam point and at the room temperature is about 20%. इसमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना है. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी लिया जाता है और जो स्टीम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी पर होता है. तो आप 100 डिग्री सी को कन्वर्ट करें उसके अंदर, फिर वही ऊपर वाला फार्मूला लगाएं, सॉल्व हो जाएगा. A Carnot heat engine operates between 200 degree C and 20 degree C. The maximum possible efficiency is, इसको भी कैलकुलेट करें आप फार्मूला लगा के. After one complete cycle of reversible heat engine, which of the following quantity is not zero? After one complete cycle of a reversible heat engine, which of the following quantity is not? S is entropy, P is pressure, E is internal energy, and W is work, and T is the temperature. Delta S of the working substance, delta P of working substance, और डेल्टा आई एन ऑफ द वर्किंग गैस डब्ल्यू. अ गैस चेंज कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वन विद मल्टीप्लिसिटी 3.0 into 10 to the power 18 to 1 with multiplicity 7.9 into 10 to the power 19. The Boltzmann constant is this. The change in entropy is. ये लेक्चर से समझें कि चेंज इन एंट्रोपी इस मामले में किस तरह कैलकुलेट की जाती है. लेट के बी द बोल्ट्समैन कांस्टेंट इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ the molecules of a gas change so that the multiplicity is reduced to 1/3 its previous value, the entropy of the gas changes. But multiplicity ke sath jo hai wo hum iska relation abhi lecture se note kare. Let k be the Boltzmann constant if the configuration of molecules in the gas at temperature T change isothermally and reversely to the multiplicity is increased to 3 times its previous value, the heat input to the gas is